विरोधियों पर पीएम का वार, कहा जनता के पास होता है शंकर की तरह तीसरी आंख, सूट बूट का आरोप लगाने वालों को देगी जवाब। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है। नोटबंदी पर हमले को लेकर भी पीएम ने विरोधियों पर किया वार, कहा जिनका पैसा लूटा वो सब हो गए हैं एक। देशभर के निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत से गदगद प्रधानमंत्री, बोले जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। प्रधानमंत्री ने कानपुर रेल हादसे को बताया आतंकी साजिश, गोंडा की चुनावी रैली में पहली बार लिया आईएसआई का नाम। इसने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। फैजाबाद में अखिलेश का पलटवार, 2019 में पीएम को सत्ता में नहीं आने देगी जनता, यूपी से शुरू होगी हार। आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी, और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। फैजाबाद में अखिलेश ने अमित शाह के कसाब वाले बयान का दिया जवाब, कहा क से कांग्रेस नहीं कबूतर होता है। और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे, हमने तो कक्षाई की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। फैजाबाद में मायावती पर अखिलेश का निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी की मदद कर रही है बीएसपी। फैजाबाद की रैली में अखिलेश यादव का नोटबंदी पर तंज, करेंसी नहीं लेन देन होता है काला सफेद। बहराइच में प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी, चूहे से भी कमजोर है पीएम की आवाज। पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी 50 लोगों को दे देते हैं और फिर कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा, बड़ा सा बफर शेयर बना देते हैं, डील में आता है, चूहे जितनी आवाज नहीं होती उस बफर शेयर में। बलरामपुर में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का निशाना, कहा मेड इन इंडिया की बात करते हैं पीएम लेकिन हर जगह दिखता है मेड इन चाइना। आजमगढ़ में अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा पहले 60 साल का जवाब दें मोदी जी से सवाल पूछने वाले। आजमगढ़ में अमित शाह ने की राहुल के अंदाज की नकल, बोले एक शहजादे से मां परेशान है दूसरे से बाप। मऊ में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले अखिलेश सरकार ने यूपी को खून करने और बलात्कार करने में नंबर वन बनाया। महाराजगंज में राजनाथ सिंह की अपील, केंद्र में सरकार बनाकर आपने बीजेपी को पहनाया कुर्ता, यूपी में सरकार बनाकर पजामा पहना दीजिए। संतकबीर नगर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर साधा निशाना, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी घेरा। आजम खान और अबू आजमी पर अमर सिंह का जुबानी हमला, वाराणसी में बोले भारत माता को गाली देने वालों का नाश हो। बलरामपुर सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने, अखिलेश और राज बब्बर ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। कल शाम खत्म हो जाएगा पांचवें दौर का चुनाव प्रचार, 11 जिलों की 51 सीट पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। बीएमसी में सत्ता की तस्वीर पर सस्पेंस बरकरार, उद्धव ने फिर ठोकी मेयर पर शिवसेना की दावेदारी। बीजेपी के साथ गठबंधन के कयासों को फिलहाल उद्धव ने किया खारिज, कहा नतीजे कुछ भी हों जारी रहेगी लड़ाई। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में लगातार पांचवी बार बढ़त पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी, गठबंधन पर अभी फैसला नहीं। बीएमसी में शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर नरम है बीजेपी के सुर, गडकरी बोले दोनों दलों को करनी होगी पहल। शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत करेगी बीजेपी, आशीष सेलार बोले बैठक में चर्चा होगी। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में खलबली, मुंबई में पार्टी के नेताओं ने की चिंतन बैठक। बीएमसी में शिवसेना के साथ गठबंधन को कांग्रेस ने खारिज किया, अशोक चव्हाण बोले पहले फैसला कर ले बीजेपी। बीएमसी में 86 पर पहुंचा शिवसेना का आंकड़ा, दो निर्दलीय पार्षदों ने थामा उद्धव की पार्टी का दामन। महाराष्ट्र के अकोला में जश्न में डूबी बीजेपी, नगर निगम चुनावों में 80 में से 46 सीटों पर पार्टी ने हासिल की है जीत। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, महानगर पालिका चुनाव में जीत के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान भोले को धन्यवाद दिया।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला परिषद में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता की जयंती, निधन के बाद पहले जन्मदिन पर अलग अलग खेमों का कार्यक्रम। जयललिता के घर पोइस गार्डन की सड़क पर पसरा सन्नाटा, नहीं नजर आया पार्टी का एक भी कार्यकर्ता। सूरत में हार्दिक पटेल का विवादित बयान, गुजरात के 44 पाटीदार विधायकों को बताया गधा। विधानसभा चुनाव में धांधली के खिलाफ आज तक किस्टिंग पर एक्शन, में चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करने का आदेश। चुनाव आयोग ने आज तक से मांगे वीडियो, नकली उंगली से वोटिंग कर कार्रवाई को लेकर था स्टिंग। प्रकाश झा की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर मुहर से सेंसर बोर्ड का इनकार, आपत्तिजनक सीन और भाषा को बताया वजह। सेंसर बोर्ड के इनकार पर बॉलीवुड ने सवाल उठाए, कई कलाकारों और फिल्मकारों ने जताई चिंता। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर विवाद को लेकर सेंसर बोर्ड चेयरमैन की तलखी, कहा कोर्ट जा सकते हैं निर्माता। चाहे कोर्ट, हमने शोकास नोटिस दे दिया प्रोड्यूसर्स को, और जो प्रोड्यूसर जहां जाना चाहे कोर्ट जाए या एफकेट में जाए, जहां भी जा सकता है जाए। अमेरिका के कैंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या, हैदराबाद के रहने वाले थे श्रीनिवास। श्रीनिवास पर गोलियां चलाते वक्त निकल जाओ मेरे देश से चिल्ला रहा था हमलावर, आदम कुरिंटन नाम का शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद में श्रीनिवास के घर पसरा मातम, परिजनों ने की इंसाफ की मांग। कंसास शूटिंग में श्रीनिवास के दोस्त आलोक रेड्डी घायल, बेटे की जल्द वापसी चाहते हैं पिता जगमोहन रेड्डी। शुपैया में शहीद हुए 3 जवानों को सेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि, गुरुवार को आतंकी हमले में गई थी जान। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की 2 कोशिशें, मुठभेड़ में मारी गई महिला घुसपैठ। राशिदा बेगम के रूप में हुई मारी गई महिला की पहचान, 26 साल में पहली बार महिला घुसपैठियों ने सुरक्षा बलों को हैरान किया। टर्की में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर बदले नवाज शरीफ के बोल, कहा दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बंद करें साजिश। दिल्ली में गुरुद्वारा इलेक्शन से पहले अवैध शराब की बरामदगी को लेकर सवाल, विवेक बिहार में 2 गुटों में झड़प। बिहार एसएसबी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, बोर्ड के चेयरमैन और सीनियर आईएएस सुधीर कुमार गिरफ्तार। गुरुग्राम के साइबर फ्रॉड केस में 5 लड़कियों समेत 6 गिरफ्तार, फर्जी कॉल सेंटर की मदद से करते थे ठगी। दिल्ली के नरेला में 5 साल की मासूम से बलात्कार के बाद हत्या, आरोपी मौके से गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में मातम में बदला शादी का जश्न, फायरिंग के दौरान दूल्हे के दोस्त की मौत। सिरसा में गला रेत कर की शख्स की हत्या, सीसीटीवी में वारदात की तस्वीर, अवैध संबंधों के शक में हत्या का शक। दिल्ली के अंबेडकर नगर में शादी को लेकर एक शादी समारोह में गोलीबारी, 1 की मौत, 2 घायल। यूपी के संभल में सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत के बाद बवाल। गुजरात के मोरबी में सीसीटीवी में कैद हुई गैंग वॉर, 75 लाख की फिरौती को लेकर तोड़फोड़। दिल्ली के विकासपुरी में रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। H-1B वीजा विवाद के बीच भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री के लिए तैयार है चीन, अभी तक देसी टैलेंट को नजरअंदाज करने की कबूली गलती। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साझा विकास के लिए भारत इजराइल में करार, 17,000 करोड़ रुपए की योजना। सरकार को 634 दवाओं के दाम तय, कीमतों से ज्यादा वसूले जाने का शक, राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण कर रहा है जांच। निजी सेक्टर के कर्मचारियों की मैच्योरिटी बढ़ाकर 2 गुना करने का रास्ता साफ, 20 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी। सौर ऊर्जा के बाद अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंची पवन ऊर्जा की दर, 3.46 रुपए प्रति यूनिट हुई कीमत। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 100 रुपए प्रति तोले की बढ़त, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,950 रुपए।
चार करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगा ईपीएफओ, खाते से डाउन पेमेंट और ईएमआई भुगतान की सुविधा मिलेगी। पुणे टेस्ट में भारत पर मंडराया हार का खतरा, ऑस्ट्रेलिया को कुल 298 रनों की बढ़त, कंगारुओं के 6 विकेट बाकी। पुणे टेस्ट में फंस हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज, 47 गेंद में सिर्फ 11 रन जोड़कर चलते बने 7 बल्लेबाज, 105 पर सिमटी पहली पारी।